इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे PGDCA सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग विद विजुअल बेसिक .NET की यूनिट सेकेंड। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि VB.NET से आप क्या समझते हैं। तो चूंकि ये पूरा सब्जेक्ट है इसलिए क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि VB.NET आखिर है क्या और इसका क्या अर्थ होता है। वीबी का यहाँ पर मतलब होता है वीबी का मतलब होता है विजुअल बेसिक। वीबी का फुल फॉर्म है विजुअल बेसिक .NET, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो VB.NET क्या हुई, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुई। और ऐसी बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाती हैं जैसे C++, जावा, C#, J#, ऐसी बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो विजुअल बेसिक .NET भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे हम आपस में कम्युनिकेट करने के लिए हिंदी और इंग्लिश भाषा या बहुत सी ऐसी जो भाषाएं हैं विश्व में उनका प्रयोग करते हैं आपस में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, वैसे कंप्यूटर में यदि आपको कंप्यूटर को कोई निर्देश देना है जो निर्देश कंप्यूटर समझ सके और हमारे भी वो भाषा समझ में आए, ठीक है, तो कंप्यूटर के समझने वाली भाषा, चूंकि कंप्यूटर तो मशीन लैंग्वेज समझता है तो हम मशीन लैंग्वेज को समझना हमारे लिए कठिन है। इस कारण से कुछ ऐसी लैंग्वेजेस जिसको कि हम आसानी से समझ सकें और जिसमें इंग्लिश के अल्फाबेट्स का इस्तेमाल किया गया हो, ऐसी बहुत सी लैंग्वेजेस मार्केट में उपलब्ध हैं। उनमें से एक लैंग्वेज है VB.NET। फिर जब हम इस अल्फाबेट्स में इस प्रोग्रामिंग को करते हैं तो जो इसका एक ट्रांसलेटर होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक ट्रांसलेटर होता है जो उसको ट्रांसलेट कर देता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में, जिससे कि कंप्यूटर उस लैंग्वेज को आसानी से समझ सकता है। तो वह लैंग्वेज जो हमारे द्वारा लिखी जाती है जिसको हम समझ सकते हैं केवल, वो कहलाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो विजुअल बेसिक .NET भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे विजुअल बेसिक के मूल्यांकन के रूप में देखा जा सकता है। विजुअल बेसिक के मूल्यांकन के रूप में मतलब विजुअल बेसिक जो है वो विजुअल बेसिक .NET से पुरानी लैंग्वेज है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने सबसे पहले लॉन्च की थी। और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का और अच्छा वर्जन आप विजुअल बेसिक .NET को कह सकते हैं। विजुअल बेसिक .NET को .NET फ्रेमवर्क पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो विजुअल बेसिक .NET जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि .NET फ्रेमवर्क पर चलती है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक .NET फ्रेमवर्क बनाया। .NET फ्रेमवर्क मतलब जहां पर कि हम आसानी से सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, ऐसा पूरा एनवायरनमेंट, पूरा ऐसा वातावरण को क्या बोलते हैं, .NET फ्रेमवर्क बोलते हैं। तो विजुअल बेसिक .NET में जो भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं वो .NET फ्रेमवर्क के अंदर एग्जीक्यूट होती है। विजुअल बेसिक .NET को माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डिजाइन किया गया। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अमेरिका की एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर डेवलप करने की कंपनी है। जितने भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और ऐसे बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, MS ऑफिस, ये सभी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर हैं। इसी प्रकार से विजुअल बेसिक .NET को भी अमेरिका की इस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही डिज़ाइन किया है। विजुअल बेसिक लैंग्वेज का विस्तारण करके इसे .NET फ्रेमवर्क पर इम्प्लीमेंट किया गया है। तो विजुअल बेसिक .NET के पहले विजुअल बेसिक लैंग्वेज आई थी जिसे हम क्लासिकल विजुअल बेसिक या कोई पुरानी विजुअल बेसिक लैंग्वेज बोल सकते हैं। उसी को .NET फ्रेमवर्क में जब इम्प्लीमेंट किया गया, .NET फ्रेमवर्क जब बनाया माइक्रोसॉफ्ट ने, तो उसने विजुअल बेसिक का और एडवांस वर्जन लॉन्च किया जिसको विजुअल बेसिक .NET कहते हैं। इसलिए इसे VB.NET कहते हैं। VB.NET में विंडोज फॉर्म एप्लीकेशंस, विंडोज सर्विस, WFF एप्लीकेशंस, कंसोल एप्लीकेशन इत्यादि को .NET फ्रेमवर्क पर डेवलप किया जाता है। तो VB.NET के द्वारा हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलने वाले सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, सर्विसेज बना सकते हैं बहुत सी ऐसी जिनका उपयोग दूसरा कोई भी कर सकता है, WPF एप्लीकेशन बना सकते हैं और कंसोल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं जो कि केवल DOS प्रोग्राम पर चलते हैं। तो ऐसे बहुत से एप्लीकेशन हैं, इंटरनेट पे चलने वाले वेब एप्लीकेशन को भी आप VB.NET के द्वारा बना सकते हो। तो ऐसे बहुत से एप्लीकेशन है जिसका उपयोग करके जिसको कि हम विजुअल बेसिक .NET के द्वारा बना सकते हैं।
विजुअल बेसिक डॉट नेट के बारे में और हम समझते हैं। वीबी डॉट नेट एक लैंग्वेज है जिसे डॉट नेट एप्लीकेशन, विंडोज एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, वेब सर्विसेज इत्यादि को डेवलप करने के लिए डिज़ाइन किया गया। 1998 में विजुअल बेसिक 6.0 को रिलीज किया गया था। जब वीबी डॉट नेट के पहले 1998 में विजुअल बेसिक 6.0 को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने लॉन्च किया। यह काफ़ी पॉपुलर हुआ, यह लैंग्वेज भी काफ़ी पॉपुलर हुई। इसमें एडीओ ActiveX डेटा ऑब्जेक्ट के प्रयोग के द्वारा डेटा सोर्स को क्रिएट करने तथा मैनेज करने के बारे में परिचय कराया गया। तो इसमें यह बताया गया है कि विजुअल बेसिक 6.0 जो लैंग्वेज आई है उसमें एडीओ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। एडीओ का फुल फॉर्म होता है ActiveX डेटा ऑब्जेक्ट। तो इस टेक्नोलॉजी के द्वारा इसमें कुछ तरीके हैं जिसके द्वारा कि हम अपने सॉफ्टवेयर से जो भी डेटा एंटर करते हैं और उसको डेटा सोर्स में जैसे कि MS Access, Fox Pro इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो उस विजुअल बेसिक 6.0 में जो है ActiveX डेटा ऑब्जेक्ट एडीओ टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। इसने प्रोग्रामर को ASP एक्टिव सर्वर पेजेस का प्रयोग करके डेटाबेस ऑब्जेक्ट में एक्सेस करने की सुविधा को भी उपलब्ध कराया। मतलब कि इस लैंग्वेज में एक्टिव सर्वर पेजेस, मतलब इसका उपयोग ASP का उपयोग किया जाता था पहले वेबसाइट को बनाने के लिए, वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए। तो उसमें भी ASP में भी आपका ASP टेक्नोलॉजी में भी ADO टेक्नोलॉजी का पहले इस्तेमाल किया जाता था। ActiveX डेटा ऑब्जेक्ट मतलब किस प्रकार से डेटा यूज़र के द्वारा जो यूज़र फॉर्म देखता है ऑनलाइन या आपका विंडोज़ में जो सॉफ्टवेयर में जो वो फॉर्म देखता है उसमें जो भी डेटा एंटर करता है उसको किस प्रकार से हम डेटाबेस तक लेके जाएंगे, वो तरीका क्या कहलाता है? ADO। तो पुराने तरीके का नाम है ADO। उसके बाद विजुअल बेसिक 6.0 में ये टेक्नोलॉजी सम्मिलित थी जिसको बोला जाता था ADO। फरवरी 2002 में फिर माइक्रोसॉफ्ट ने .NET फ्रेमवर्क पर आधारित विंडोज एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए VB.NET को रिलीज किया। फिर फरवरी 2002 में माइक्रोसॉफ्ट ने और कुछ और टेक्नोलॉजी को एडवांस किया और VB.NET लैंग्वेज को रिलीज किया जिसके द्वारा आसानी से विंडोज एप्लीकेशन को, मतलब अपने कंप्यूटर पर चलने वाले एप्लीकेशन को, सॉफ्टवेयर को आसानी से बनाया जा सकता है। विजुअल बेसिक .NET का प्रथम वर्जन VB.NET 2002 के नाम से रिलीज किया गया। तो सबसे पहला वर्जन कौन सा आया? 2002। यह .NET फ्रेमवर्क 1.0 पर रन करता है। तो ऐसे बहुत से अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वर्जन दिए और वो किस एनवायरनमेंट में रन होते हैं उसके फ्रेमवर्क के भी अलग अलग वर्जन कम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा लॉन्च किए गए। जैसे जो VB.NET 2002 बनाया गया यह किस फ्रेमवर्क में काम करता था? 1.0 पे चलता था। इसी प्रकार से VB.NET 2003 को फिर रिलीज किया माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, यह किस फ्रेमवर्क में चलता था? यह चलता था फ्रेमवर्क 1.1 पर। तो जैसे जैसे विजुअल बेसिक .NET प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एडवांस होती गई उस प्रकार से फ्रेमवर्क भी एडवांस होते गए। कौन है? इस प्रकार माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने VB.NET के अलग अलग वर्जन लॉन्च किए जो कि अलग अलग फ्रेमवर्क पर रन करते थे। कुछ समय पश्चात VB.NET 2005 को रिलीज किया गया माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा और ये सभी पर्टिकुलर लैंग्वेजेस जो होती थी VB.NET 2005, VB.NET 2002, एक कंप्लीट एनवायरनमेंट जिसका नाम था विजुअल स्टूडियो, इसके अंदर हम इन लैंग्वेजेस का उपयोग करते थे। तो ये VB.NET 2005 को रिलीज किया गया जो विजुअल स्टूडियो 2005 में सम्मिलित था। अब उसके बाद देखिए ये टेबल बताई गई है, इस टेबल में किस वर्जन के लिए कौन सा फ्रेमवर्क बनाया गया उसके बारे में बताया गया है। विजुअल स्टूडियो .NET 2002 जो आया था 1.0 उसके लिए फ्रेमवर्क था। इसी प्रकार से 2003 जो कि लॉन्च किया कंपनी ने उसके लिए जो वर्जन था वो 1.1 और 2.0 था। उसी प्रकार से विजुअल स्टूडियो 2005 जो वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया उसमें कौन सा फ्रेमवर्क इस्तेमाल होता था? 2.0, 3.0 और 3.5 तक के फ्रेमवर्क को हम इस्तेमाल कर सकते थे 2005 में। इसी प्रकार से 2008 में हम जो है
इस्तेमाल कर सकते थे। 2.0, 3.0, 3.5, 4.0 तक का वर्जन जो है हम इस्तेमाल कर सकते थे 2008 में। इसी प्रकार से 2010 जो है उसमें 2.0, 3.5 का फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर सकते थे, और 2012 अभी एडवांस वर्जन चल रहा है विजुअल स्टूडियो का, उसमें हम 4.0 और 4.5 के वर्जन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सभी दिए गए हैं फ्रेमवर्क के वर्जन। आप फ्रेमवर्क को इस प्रकार से समझ सकते हो कि एक ये पूरा वर्किंग एनवायरनमेंट जहाँ पे कि बहुत सी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें दी गई हैं जिसके द्वारा आप अपने सॉफ्टवेयर को जो बना रहे हो उसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से बना सकते हो। तो इन फ्रेमवर्क में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जोड़ दी गई जिसके द्वारा सॉफ्टवेयर बनाना और आसान और बेहतर होते गया, और ये फ्रेमवर्क हमारे नए नए वर्जन जो आते जा रहे हैं उसमें हम अपने इन फ्रेमवर्क को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं।